दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि पिछले बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया था और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उस मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं और चाहते हो कि टीम इंडिया आने वाला एशिया कप का खिताब जीते, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान के पहले बल्लेबाजी करने से हुई, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने पावर प्ले में ही अपने 2 विकेट गंवा दिए, जहां बाबर आजम और फखर जमान 10 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर पाकिस्तान की पारी को संभाला और पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने पाकिस्तान की टीम के लिए 8 शतक की साझेदारी बनाई, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी जरूरी थी। लेकिन 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने इफ्तिकार अहमद को 28 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की पारी संभल ही नहीं पाई और पाकिस्तान ने लगातार अंतराल पर अपने विकेट गंवा दिए। हालांकि लास्ट में जरूर हरीश रौफ ने 13 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान के स्कोर को 147 रनों तक पहुंचाया, जहां रिजवान ने पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे ज्यादा 43 रनों की पारी खेली। तो वहीं भारतीय टीम के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाई। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी काफी खराब रही, क्योंकि केएल राहुल जल्द ही पाकिस्तान का शिकार बन गए। लेकिन उसके बाद में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। लेकिन उसके बाद 8वें ओवर में रोहित शर्मा आउट हो गए, जिसके बाद 10वें ओवर में विराट कोहली भी आउट हो गए, जहां विराट कोहली ने 35 रन बनाए और भारतीय टीम को एक साथ 2 बड़े झटके लग गए। जिसके बाद जरूर सूर्या और जडेजा ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन सूर्या भी 18 रन बनाकर क्लीन बॉल हो गए। जिसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण 8 शतक की साझेदारी बनाई, जो कि टीम इंडिया के लिए काफी जरूरी थी। और इन दोनों की इसी साझेदारी के वजह से भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से मुकाबला हरा दिया, जहां हार्दिक पांड्या ने 33 और रविंद्र जडेजा ने 35 रन बनाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मुकाबले में भारत की जीत का हीरो कौन है, आप इसकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।